मुझे दो चीज़ें बुनियादी और पसंदीदा नज़र आती हैं, हुस्न अख़लाक़ और भूखों को खाना खिलाना। तमाम खूबियों का मजमुआ सीखना और अमल करना फिर औरों को सिखाना है। जब तक तेरा उतरना और गुस्सा करना बाकी है, अपने आप को अहले इल्म में शुमार न कर। शिकस्ता कब्रों पर गौर करो कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। रहमत को लेकर क्या करेगा रहीम को ले। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों की दवा है। अल्लाह ताला की इताअत कलब से होती है, कालिब से नहीं। दुनिया के समंदर से बेखौफ ना रहे, इसमें बहुत से लोग गर्क हो चुके हैं। मोमिन जिस कदर बूढ़ा होता है, इसका ईमान ताकतवर होता है। ऐ इब्ने आदम, अल्लाह से इतना तो शर्मा जितना अपने दीनदार पड़ोसी से शर्माता है। आकल पहले कलब से पूछता है फिर मुंह से बोलता है। अमीरों के साथ इज्जत और गलबा से मिल और फकीरों से आजजी और फर्द तनी के साथ। लोगों के सामने मुअज्ज़िज़ बना रहे और नाफलास जाहिर करने से लोगों की नजरों से गिर जाएगा। हंसने वालों के साथ हंसा मत कर, बल्कि रोने वालों के साथ रोता रहा कर। नामुहर्रम औरतों और लड़कियों के पास बैठना और फिर यूं कहना कि मुझे इनकी तरफ मुतालिक तवज्जो नहीं, झूठ है। दुनियादार दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं और दुनिया अहले अल्लाह के पीछे। हया का दरवाज़ा जब तक खुला है, गनीमत जानो, वो जल्द ही तुम पर बंद कर दिया जाएगा। और नेकी के कामों को जब तक तुम्हें कुदरत है गनीमत समझो।